हेलो एवरी वन दिस इज अंकिता मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग नेक्स्ट नाइंग लाइफ आज की रिपोर्ट में सलमान खान का एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रही हैं जो कि इन दिनों चर्चाओं में है और साथ ही ये सलमान की कॉन्ट्रोवर्सी का कारण भी बन गया है दरअसल सलमान खान का यह किस्सा तब का है जब सलमान दस का दम शो होस्ट किया करते थे इसी शो पर करीना कपूर और करिश्मा कपूर पहुँचे थे इस दौरान सलमान खान ने कुछ ऐसा कहा करिश्मा कपूर को कि हर कोई हैरान हो गया दरअसल सभी जानते हैं कि कपूर खानदान इस इंडस्ट्री में अपनी पुश्ते दे चुका है पुष्ट पर पुष्ट आज भी कपूर खानदान का नाम इंडस्ट्री में उसी तरीके से बरकरार है जैसे पहले हुआ करता था लेकिन कपूर खानदान की होने के बावजूद करिश्मा कपूर को सबसे ज़्यादा लाइमलाइट तब मिली सबसे ज्यादा सक्सेस तब मिली जब सलमान खान के साथ उन्होंने काम किया ये हम नहीं कह रहे बल्कि खुद सलमान खान ने किया कहा था जिसका वीडियो इन दिनों वायरल हुआ है ये वीडियो दस का दम का है जब करीना और सलमान दोनों पहुँचे थे सलमान के शो में करीना और करिश्मा कपूर जब पहुँचे तो सलमान खान ने कुछ सवाल करीना कपूर से किए और कहा कि क्या आपको पता है कि हमारी पहली मुलाकात कब हुई ऐसे में करीना कपूर कहती हैं कि उन्हें इसके बारे में नहीं याद करिश्मा कहती हैं कि उन्हें याद है कि उनकी पहली मुलाकात 20 साल पहले हुई थी उसके बाद फिर सलमान सवाल पूछते हैं कि क्या आपको पता है हमारी दूसरी मुलाकात कब हुई इसके मौके पर करीना कपूर ने सीधे सलमान को ये जवाब दे दिया कि उन्हें तो ये भी याद नहीं कि पहली मुलाकात कब हुई तो दूसरी भी उन्हें कैसे याद रहेगी ये सुनने के बाद सलमान खान ने भी करीना को एक करारा जवाब दिया जो कि करिश्मा के करियर के ऊपर था सलमान खान ने इसे शो में कहा कि करिश्मा कपूर की जिंदगी तब बदली जब उन्होंने करिश्मा के साथ काम किया एक शो के दौरान उन्होंने कहा कि जब करिश्मा और उनकी मुलाकात हुई सलमान खान की मुलाकात हुई तब दोनों एक गाने की रिहर्सल कर रहे थे उस दौरान करिश्मा प्रेम कैदी नाम का एक जो फिल्म है वो कर रही थी प्रेम कैदी के बाद सलमान कहते हैं कि करिश्मा ने उनके साथ फिल्म की और वो फिल्म थी बीवी नंबर वन जिसके बाद उनकी किस्मत चमक गई यह सलमान खान का साफ तौर पर कहना था कि उनके साथ काम करने के बाद यानी कि प्रेम कैदी के बाद जब सलमान खान के साथ करिश्मा ने काम किया तभी करिश्मा को सक्सेस मिली और वाकई उसी फिल्म के साथ करिश्मा कपूर को सक्सेस मिली भी थी इसके बाद करिश्मा की जोड़ी गोविंदा के साथ खूब जमी और गोविंदा के साथ ये जोड़ी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि कई फिल्में गोविंदा के साथ भी उन्होंने की लेकिन हाल में ही जिक्र सलमान खान का किया गया कि सलमान खान सभी का क्रेडिट अपने नाम करते हैं अब ऐसे में लोग का अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं सलमान खान को कोई ट्रोल कर रहा है तो वहीं सलमान की तारीफें भी खूब की जा रही हैं फिलहाल ये रिपोर्ट देख करके आप बताइए कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस रिपोर्ट में इतना ही देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइव